हाँ हाँ श्रेयस भाई, यही है वो लोग जो कह रहे थे 24 करोड़ वेस्ट हो गए। अब बोलो कहाँ वेस्ट हो गए। बोल ना अभी, हूँ क्या कर रही, बोल। अरे आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? चलो ठीक है बोला, बट तुम समझो ना यार, स्टार्क भाई हैं, विश्व कप आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, अब विश्व कप के पहले तो गांठ तोड़ेंगे ही ना सबकी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पर अपने ही ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ट्रेविस हेड को आपने जो कल सिनेमा दिखाया ना, वो देख के मजा आया। काश यही सिनेमा हम उन्हें 19 नवंबर को भी दिखा पाते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या कर सकते हैं काव्या क्यूटी, जब आपके पेलू पांडा को ही पेल दिया गया तो कैसे लेवल निकलेंगे। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लो सकल देखने के लिए ऐसी। क्या कर सकती है बेचारी काव्या क्यूटी, भी ये कह रही थी कि अरे ये पैट कमिंस को आज क्या हो गया, 19 नवंबर को तो बड़ा उछल रहा था, घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। पर इन्हें क्या पता था कि पीछे जयशाद साहब की भी तो माया है, वो भी कह रहे थे वर्ल्ड कप में स्क्रिप्ट थोड़ी सी मिस हो गई, तो उसी स्क्रिप्ट को ना थोड़ा सा IPL में चला देता हूँ। अरे भीख मंगिया क्या दिख रहा है, हलवा है क्या? बाकी यार मुकाबले के बारे में ज्यादा कुछ कहने को बाकी नहीं है, क्योंकि एक तरफा भैया KKR ने पेल दिया, एफर्टलेसली जिसे कहते हैं, उस तरीके से हैदराबाद को हरा के फाइनल्स तक पहुंच चुके हैं। और भाई कैप्टन के तौर पर अब तो श्रेयस भाई का भी कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है, वो कह रहे थे कि किसी दिन इंडियन टीम का कैप्टन बना तो बताऊंगा कि पैट कमिंस की टीम को कैसे हराते हैं। बाकी यार कल KKR की जीत को देखकर RCB फैंस बड़े खुश हुए हैं, समझे नहीं समझे, चलिए मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बात करते हैं WPL की। दिल्ली कैपिटल्स RCB का मुकाबला था और RCB एक रन से हार जाता है, फिर उसके बाद फाइनल में जाकर दिल्ली कैपिटल्स को पेल देता है। अच्छा, और फिर आते हैं IPL में, KKR और RCB के बीच मुकाबला होता है, RCB एक रनों से हार जाता है और फिर KKR फाइनल में पहुंच जाता है। अब आगे क्या होगा? ये हुई ना बात। अरे RCB के भाइयों आराम से आराम से, अभी उसके पहले राजस्थान, हैदराबाद और पंजाब भी है, पहले इनसे तो निपट लो। क्या मतलब पंजाब नहीं है? अरे पंजाब है यार, देखो यही चकमा खा गए ना, मैं भी चकमा खा गया था, अब मैंने थोड़ा इधर उधर IPL के मैचेस मिस कर दिए, मुझे पता ही नहीं चला कि पंजाब किंग्स कब प्लेऑफ्स में चली गई। कब हो गया ये? अरे गई है भाई, ये देखो उनकी जर्सी। क्या मतलब, ये अंपायर की जर्सी है। वाह जिंटा क्यूटी वाह, मतलब आप डायरेक्टली प्लेऑफ्स में नहीं जा पाई तो काव्या से फाइट करने के लिए इनडायरेक्टली आ गए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हां ब्यूटी कॉम्पिटिशन में कोई कमी होने नहीं दोगे आप? मजा आया। बाकी यार अब KKR तो फाइनल में पहुंच चुकी है और चेन्नई में बैठकर बोल रहे हैं कि आओ बेटा आओ, देखते हैं कि कौन सामने आएगा, और क्वालिफायर 2 में हैदराबाद RCB टीम का इंतजार कर रही है। नहीं नहीं तुम समझे नहीं यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद चाहता है कि RCB जीत जाए, फिर उनको नीली जर्सी मिल जाएगी ना, और नीली जर्सी लाल के साथ आएगी तो मार मार के लाल पीला भी कर देंगे। डरने से क्या फायदा है, एक दिन किसी को सबको मरना है। देखो RCB वालों, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप राजस्थान से जीत भी जाइएगा तो हैदराबाद से खेलने से पहले गो ग्रीन मूवमेंट में चले जाइएगा। मैं कहता हूँ रिक्स लेना ही क्यों है, मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। बाकी अब वो स्टेज तो आ ही चुका है कि हर टीम मौत का कफन बांधकर रिस्क लेने पर उतर ही आई है, तो तुम भी थोड़ा सा रिस्क ले ही लो, सब्सक्राइब की बटन कर दो, क्या पता तुम्हें विश्व कप में भी मैं मनोरंजन की कमी ना होने दूं, हो सकता है बहुत सारे कॉन्टेंट आने वाले हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मौज देते लेते और करते रहो, मिलते हैं बहुत जल्द।